रज़िया सज्जाद ज़हीर नमक, इस पार्ट से संबंधित यहाँ पर हम MCQs और वन वर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक के साथ। प्रश्न नंबर एक, नमक कहानी के रचयिता हैं जाकिर हुसैन, इकबाल, प्रेमचंद, रज़िया सज्जाद ज़हीर। तो नमक कहानी के जो रचयिता हैं वो है रज़िया सज्जाद ज़हीर। सफ़िया किसे देखकर हैरान रह जाती है, हैरान रह गई थी, सिख बीबी को, सिख भाई को, अपने भाई को, या लाहौर को, या फिर घर की बहू को। तो सफ़िया जो है वो सिख बीवी को देखकर हैरान हो जाती है। प्रश्न नंबर तीन, सिख बीवी सफ़िया को किसके जैसी लगी, जो सिख बीवी हैं वो सफ़िया जब उन्हें देखती है तो वो उनको कैसे किसकी तरह महसूस करती है, अपनी चाची की जैसी, अपनी बहन के जैसी, अपनी माँ के जैसी, या अपनी फूफी के जैसी। तो वो अपनी माँ की तरह उन्हें देखकर जो है उन्हें अपनी माँ के जैसे महसूस करती हैं। प्रश्न नंबर चार, लाहौर के लोग किसके शौकीन होते हैं, उम्दा खाने के, नफीस कपड़ों के, सैर सपाटे के, या फिर तीनों के। तो वो तीनों के ही जो है शौकीन होते हैं। प्रश्न नंबर पाँच, हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसका है, सफ़िया का, सिख बीवी का, कस्टम अधिकारी का, या सफ़िया के भाई का। तो ये कथन जो है सिख बीवी का है कि हमारा वतन तो लाहौर ही है। प्रश्न नंबर छः, कीर्तन कितने बजे ख़त्म हुआ, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, या फिर 12 बजे। तो कीर्तन जो है वो 11 बजे ख़त्म होता है। प्रश्न नंबर सात, सिख बीवी ने लाहौर से क्या सौगात यानी उपहार मंगवाया, चीनी, नमक, सोना, हीरे। तो उन्होंने लाहौर से नमक उपहार के रूप में, सौगात के रूप में मंगवाया। प्रश्न नंबर आठ, नमक की पुड़िया किस रंग की थी, लाल, गुलाबी, बादामी, या फिर हरा। तो जो नमक की पुड़िया है वो बादामी रंग की थी। प्रश्न नंबर नौ, सफ़िया ने कितने दिन पाकिस्तान में गुजारे, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन। तो सफ़िया ने पाकिस्तान में 15 दिन बिताए। प्रश्न नंबर 10, सफ़िया का भाई पेशे से था वकील, डॉक्टर, अध्यापक, या फिर पुलिस अफसर। तो सफ़िया का भाई पेशे से पुलिस अफसर था। प्रश्न नंबर 11, मुरव्वत का क्या अर्थ होता है, मानवता, संकोच, सुंदर, या उत्साह। तो मुरव्वत का अर्थ होता है संकोच। प्रश्न नंबर 12, आप अदीब ठहरी, यहाँ अदीब का क्या अर्थ है, अध्यापक, डॉक्टर, साहित्यकार, या फिर वकील। तो अदीब का क्या अर्थ होता है, साहित्यकार। प्रश्न नंबर 13, सफ़िया को कितने बजे भारत के लिए रवाना होना था, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, अब कितनी भी टाइमिंग ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। तो सफ़िया को कितने बजे भारत के लिए रवाना होना था, 2 बजे उनको भारत के लिए रवाना होना था। प्रश्न नंबर 14, कीनू का तोहफा सफ़िया को किसने दिया, उसके भाई ने, उसकी बहन ने, उसके चाचा ने, या उसके दोस्त ने। तो कीनू का तोहफा जो है सफ़िया को उनके दोस्त ने दिया। प्रश्न नंबर 15, सफ़िया ने नमक की पुड़िया कहाँ छुपाई, तो सफ़िया ने नमक की पुड़िया कहाँ छुपाई, कीनू की टोकरी में, केलों की टोकरी में, सेब की टोकरी में, नींबू की टोकरी में। तो उन्होंने नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी में छिपाई। प्रश्न नंबर 16, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है, वाक्य में सफ़िया ने अपनी माँ किसे कहा है, सिख बीवी को, मित्र की माँ को, अपनी सहेली की माँ को, या अपने पति की माँ को। तो सफ़िया ने यहाँ पर अपनी माँ जो है उसको, सिख बीवी को कहा है, क्योंकि उनको देखते ही उन्होंने पहली नज़र में अपनी माँ की तरह उन्हें महसूस किया था। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं, सफ़िया ने किस महीने में पाकिस्तान की यात्रा की थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर मई में। तो उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा जो है वो मार्च के महीने में की थी। प्रश्न नंबर 18, सफ़िया का दिल्ली तक का किराया किसने दिया था, उसके दोस्त ने, उसके भाई ने, उसके पति ने, या फिर उसकी चाची ने। तो सफ़िया का दिल्ली तक का जो किराया है वो उसके भाई ने दिया। प्रश्न नंबर 19, सफ़िया कौन सी क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या कोई नहीं। तो सफ़िया जो है वो कौन सी क्लास की वेटिंग रूम में थी, वो फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा क्या है, बादाम, कीनू, नींबू, या फिर केले। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का जो मेवा है वो है कीनू।
प्रश्न नंबर 21 लेते हैं, आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, ये कथन किसका है? सफिया का, सफिया के भाई का, कस्टम अधिकारी का, या सफिया के दोस्त का? तो ये जो कथन है ये कथन है सफिया का। प्रश्न नंबर 22, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन क्या है? बनारस, लाहौर, दिल्ली या फिर जयपुर? तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी की बात हो रही है, उसका वतन कौन सा था? तो उसका वतन दिल्ली है। प्रश्न नंबर 23, सफिया कहाँ की रहने वाली है? कराची, बंगाल, जालंधर, लाहौर? तो सफिया जो है वो लाहौर की रहने वाली है। प्रश्न नंबर 24, अमृतसर में कस्टम पर तैनात अधिकारी का क्या नाम था? सुनील दास गुप्त, मोहनदास सलीम खान या सुशील कुमार? तो उसका नाम था सुनील दास गुप्त। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, सुनील दास गुप्त ने सफिया के सामने जो पुस्तक खोली, उस पुस्तक पर बाई ओर किसकी तस्वीर थी? इकबाल, नजरुल इस्लाम, टैगोर या फिर गांधी जी? तो उस पर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। प्रश्न नंबर 26 लेते हैं, डाभ का अर्थ है कीनू, केले, कच्चा नारियल या फिर सेब? तो डाभ का क्या अर्थ होता है? कच्चा नारियल। प्रश्न नंबर 27 लेते हैं, सुनील दास गुप्त का वतन है पाकिस्तान, ढाका, दिल्ली या कोई नहीं? तो सुनील दास गुप्त का जो वतन है वो है ढाका। प्रश्न नंबर 28, मोहब्बत तो कस्टम से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यह कथन किसका है? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, सफिया का, सफिया के भाई का या सफिया के दोस्त का? तो ये जो कथन है ये कथन पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का होता है। प्रश्न नंबर 29 लेते हैं, नमक कहानी के रचयिता हैं रजिया, सज्जाद, जहीर। प्रश्न नंबर 30, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 15 फरवरी 1917 राजस्थान अजमेर में हुआ। इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय जो है उस वीडियो को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप जरूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। प्रश्न नंबर 31, रजिया सज्जाद जहीर ने स्नातक यानी कि बीए तक की पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की? यानी रजिया सज्जाद जहीर हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से की? उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है उसकी पढ़ाई घर पर रहकर ही की। प्रश्न नंबर 32 लेते हैं, रजिया सज्जाद जहीर ने एमए की पढ़ाई किस विषय में की और कहां से की? तो रजिया सज्जाद जहीर ने एमए की पढ़ाई जो है विवाह के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उर्दू भाषा से की उन्होंने। प्रश्न नंबर 33, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की लेखिका हैं वो? तो मूल रूप से वो उर्दू भाषा की लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 34, वे अध्यापन कार्य से कब जुड़ी, यानी उन्होंने टीचिंग का काम जो है कब उन्होंने उससे जुड़ी इस काम से? तो वो सन 1947 में जब वे अजमेर से लखनऊ आकर तो वहाँ पर उन्होंने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया। प्रश्न नंबर 35, लेखिका की नियुक्ति किस विभाग में हुई? तो लेखिका की जो नियुक्ति है वो सोवियत सूचना विभाग सन 1965 में। प्रश्न नंबर 36, रजिया सज्जाद जहीर का निधन कब हुआ? तो उनका निधन जो है 18 दिसंबर को सन 1979 में हुआ। प्रश्न नंबर 37, लेखिका के उर्दू कहानी संग्रह का नाम क्या है? उर्दू कहानी संग्रह की बात हो रही है, किसी एक कहानी की बात नहीं हो रही है, ये उर्दू कहानी संग्रह है, उसका नाम हमें बताना है रजिया सज्जाद जहीर के। तो लेखिका के उर्दू कहानी संग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है जर्द गुलाब। प्रश्न नंबर 38, सफिया किसे देखकर हैरान हो गई थी और क्यों? तो सफिया किसे देखकर हैरान होती हैं? तो सफिया जो है वो
सिख बीवी को देखकर हैरान होती हैं, क्योंकि उनकी शक्ल जो है सफ़िया की माँ से मिलती थी। तो सफ़िया किसे देखकर हैरान होती है? वो सिख बीवी को, क्योंकि उनकी शक्ल माँ से मिलती थी। प्रश्न नंबर 39, सिख बीवी का व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कैसी थी? तो सिख बीवी की का जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व जो है सिख बीवी का भारी भरकम शरीर था। उनकी छोटी आंखों में नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की चमक थी। तो भारी भरकम शरीर पर आंखों में चमक, मोहब्बत, नेकी, रहमदिली, इन सब की चमक थी। मोहब्बत, नेकी और रहमदिली की। प्रश्न नंबर 40, जब सफिया ने कई बार सिख बीवी की तरफ मोहब्बत यानी प्रेम से देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी सफिया जो है वो बार बार सिख बीवी को देख रही थी और बड़ी ही मोहब्बत से देख रही थी, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? तो उन्होंने उसको देखकर सिख बीवी ने घर की बहू से सफिया के बारे में पूछा। तो सिख बीवी ने अपनी बहू से सिख बीवी सफिया के बारे में पूछा। प्रश्न नंबर 40 लेते हैं, 41, प्रश्न नंबर 41, घर की बहू ने सफिया को सिख बीवी के बारे में क्या बताया? जब सिख बीवी ने अपनी बहू से सफिया के विषय में पूछा तो घर की बहू ने सफिया को सिख बीवी के बारे में क्या बताया? सफिया ने जब घर की बहू से पूछा तो उन्होंने सिख बीवी के बारे में क्या बताया है? तो उन्होंने सिख बीवी के बारे में क्या बताया कि ये मुसलमान है और कल सुबह अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हैं। प्रश्न नंबर 42, लाहौर के लोगों के बारे में सिख बीवी ने क्या बताया? सिख बीवी जो है वो लाहौर के लोगों के बारे में क्या बताती हुई नजर आती हैं? तो सिख बीवी ने बताया कि लाहौर के लोग जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उमदा खाने और नफीस कपड़ों और सैर सपाटे के बहुत ही शौकीन होते हैं और जिंदा दिल होते हैं। तो उन्होंने लाहौर के लोगों की क्या विशेषता बताई है? तो उन्होंने बताया है कि वो खूबसूरत होते हैं, उमदा खाना पसंद करते हैं, नफीस कपड़े सैर सपाटे पसंद करते हैं वो, और जिंदा दिली होती है उनमें। प्रश्न नंबर 43, कीर्तन किस समय खत्म हुआ? कीर्तन 11 बजे खत्म होता है। प्रश्न नंबर 44, सफिया से सिख बीवी ने लाहौर से क्या लाने के लिए कहा? नमक। प्रश्न नंबर 45, सफिया के भाई का क्या पेशा था? तो वो पेशे से पुलिस अफसर थे। प्रश्न लाहौर में सफिया के कितने दिन बड़ी शीघ्रता से बीते? तो लाहौर में सफिया के 15 दिन बड़े ही जल्दी बीत गए। प्रश्न नंबर 47, लाहौर से लौटते वक्त सफिया के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब वो लाहौर से लौट रही थी तो सफिया के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि बादामी कागज़ की जो पुड़िया है जिसमें नमक है, वो शेर भर लाहौरी नमक था। नमक को लाहौर से भारत ले जाना गैरकानूनी था। तो लाहौरी नमक जो बादामी पुड़िया में था वो उसकी समस्या थी सबसे बड़ी। प्रश्न नंबर 48, सफिया के भाई ने नमक ले जाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी था, इसलिए सफिया के भाई ने नमक ले जाने से मना किया। तो क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान नमक ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए उन्होंने मना किया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान
नमक ले जाना गैर कानूनी है। प्रश्न नंबर 49, सफिया ने अपने भाई से ऐसा क्यों कहा कि लाहौरी नमक उसकी माँ ने मंगवाया है। सफिया अपने ही भाई से कहती है कि ये नमक जो है उसकी माँ ने मंगवाया है। अब वो उसकी माँ जो है वो किसको बोलती है, सिख बीवी को बोलती है, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह उसे देखती है। तो अपने भाई से उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसकी माँ ने ये नमक मंगवाया है, तो उन्होंने ऐसा सिख बीवी की शक्ल सफिया की माँ से मिलती है इसलिए ऐसा कहा। सफिया की माँ की मृत्यु कब हुई थी, तो सफिया की माँ की मृत्यु हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही सफिया की माँ की मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे से पहले। प्रश्न नंबर 51, सामान पैक करने के बाद कौन सी चीज़ें बाहर रह जाती हैं, तो सामान पैक करने के बाद एक छोटी टोकरी कीनू की और नमक की पुड़िया। प्रश्न नंबर 52, कीनू किन दो फलों के संयोग से बना है। जो कीनू है जो कि भारत पाकिस्तान के भाईचारे का मेवा है, तो ये भी बोला जा रहा है इसे, और साथ ही ये भी बताया गया कि कीनू जो है किन दो फलों के संयोग से बना हुआ फल है। तो कीनू जो है संतरा और माल्टा। प्रश्न नंबर 53, सफिया ने नमक को कहाँ छिपाया, तो सफिया ने नमक को कीनू की टोकरी के तह में छिपाया। सफिया किस महीने में लाहौर गई थी, मार्च महीने में। प्रश्न नंबर 55, सफिया को सपने में क्या दिखाई दिया, तो सफिया को सपने में इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की किरणें, मकबरे की सीढ़ियों पर दो इंसान बैठे दिखे। तो उन्होंने पाठ में इस बात की चर्चा की है कि उन्हें सपने में क्या दिखाई देता है, तो सपने में इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की किरणें मकबरे की सीढ़ी पर बैठे दो इंसान। प्रश्न नंबर 56, कीनू तोहफे में देते वक्त लेखिका के दोस्त ने उनसे क्या कहा। जब लेखिका के दोस्त ने उन्हें तोहफे में कीनू दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया ने नमक की पुड़िया ले जाने के विषय में क्या सोचा। सफिया जब बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने नमक की पुड़िया को किस तरीके से ले जाया जाए इसके बारे में क्या सोचा। तो नमक की पुड़िया ले जाने के विषय में सफिया ने सोचा कि वह प्रेम के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी। प्रेम के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर कस्टम अधिकारियों से बात भी कर ली। प्रश्न नंबर 58, सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी से निकालकर फिर कहाँ रखी, तो सफिया ने कीनू की टोकरी से निकालकर उसे हैंडबैग में अपने रख लिया। प्रश्न नंबर 59, हैंडबैग में क्या रखा हुआ था, तो उनके हैंडबैग में सफिया ने पैसों का पर्स और पासपोर्ट रखा हुआ था। पैसों का पर्स और पासपोर्ट। प्रश्न नंबर 60, कस्टम अफसर कैसा दिखता था। जो कस्टम अफसर था वो कैसे दिखते थे, तो उनका लंबा कद था, दुबला पतला शरीर,
खिचड़ी बाल, आंखों पर चश्मे। प्रश्न नंबर 61, सफिया की सारी बात सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने क्या कहा? सफिया ने जब साफ साफ सारी बातें बता दी नमक को ले जाने से संबंधित, तो कस्टम अधिकारी ने क्या बात कही? कस्टम अधिकारी ने सफिया की सारी बात सुनकर नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रख दी। और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से होकर गुजर जाती है और कानून हैरान रह जाता है। प्रश्न नंबर 62, पाकिस्तानी अफसर का वतन कौन सा था? जो पाकिस्तानी अफसर था उसका वतन दिल्ली था। प्रश्न नंबर 63, कहां पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई? तो वो अटारी में। प्रश्न नंबर 64, सफिया को क्यों समझ नहीं आया कि कहां लाहौर खत्म हुआ और कहां अमृतसर शुरू हुआ? ट्रेन से जो जमीन दिखाई दे रही थी, वो ट्रेन में जो भारतीय व पाकिस्तानी यात्री बैठे थे, उनकी भाषा, वेशभूषा, रंग रूप, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। इसलिए सफिया को समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। तो ट्रेन में बैठे लोग भाषा, पहनावे, रंग रूप में एक से थे, इसलिए कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हुआ, ये बात वो नहीं समझ पाई। प्रश्न नंबर 65, अमृतसर में कस्टम बातचीत और सूरत से कैसे लगते थे? जो अमृतसर में कस्टम थे, बातचीत और सूरत में वो कैसे थे? बंगाली। कस्टम अफसर ने मेज की दराज से क्या निकाला? कस्टम अफसर जो है, उन्होंने अपनी मेज की दराज से क्या निकाला? एक किताब। अमृतसर के कस्टम ऑफिसर का क्या नाम था? जो अमृतसर के कस्टम ऑफिसर थे, उनका क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। किताब पर किसकी तस्वीर थी? तो किताब पर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। प्रश्न नंबर 69 लेते हैं, सुनील दास गुप्त को यह पुस्तक किसने दी व किस अवसर में दी? और जिस पुस्तक की बात हो रही है, उस पुस्तक को सुनील दास गुप्त को किसने और किस अवसर पर दी? तो सुनील दास गुप्त को यह पुस्तक उनके सबसे प्यारे और बचपन के दोस्त ने दी थी, उनकी सालगिरह पर। डाभ का क्या अर्थ होता है? डाभ का अर्थ होता है कच्चा नारियल। कहाँ का डाभ प्रसिद्ध है? ढाका का। ढाका किस देश में है? ढाका जो है वो बांग्लादेश में है। ये वहां की राजधानी है। प्रश्न नंबर 73, शब्दों के अर्थों का उचित मिलान करना है। मुहर्रम का क्या अर्थ होता है? मुसलमानों का त्यौहार। नफीस, नफीस का अर्थ होता है सुंदर। खातून का अर्थ होता है कुलीन स्त्री। अक्स का अर्थ होता है प्रतिबिंब। साड़ा का अर्थ होता है हमारा। साड़ा का अर्थ होता है हमारा। उम्दा का अर्थ होता है अच्छा। मुरव्वत का अर्थ होता है संकोच। खिचड़ी बाल का अर्थ होता है
आधे सफ़ेद आधे काले बाल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि नमक पाठ के हमने बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए हैं, 73 क्वेश्चंस। और इस पाठ से संबंधित आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, लेखिका के जीवन परिचय से संबंधित एक्सप्लेनेशन और समरी, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, MCQ और उसके बाद वन वर्ड क्वेश्चंस, इतना सारा कंटेंट आप एक चैप्टर से रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा, जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन जो है हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही चैप्टर से रिलेटेड आप ये सारा कंटेंट एक बार में आप पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, समझ लेते हैं सिर्फ हमारे साथ यहाँ पर वीडियोज़ ही देख कर, तो काफ़ी कुछ आप कवर कर लेते हैं और उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम डेली इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं किसी न किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड क्वेश्चंस और फिर MCQs। ये सब चीज़ें जो हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारा यहाँ पर सारा कॉन्टेंट जो है एक साथ मौजूद रहता है। वीडियो आपको अगर किसी भी तरीके से है हेल्पफुल लग रही है, यूज़फुल लग रही है, आपको मदद कर रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे।